नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर SPG के हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर के विषयों पर चर्चा की जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो 14 किया था, तो 13 टॉपिक हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो टॉपिक 14 का हमने क्या किया था, पार्ट 1 किया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक 14 वाक्य, उसका हमने पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो जो पार्ट 1 था दोस्तों, उसमें हमने क्या था, वाक्य किसे कहते हैं, उसका अर्थ परिभाषा कंप्लीट की थी हमने। वाक्य के अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय होते हैं, ठीक है, उनके एग्जांपल हमने किए थे। उसके बाद जो था हमने क्या किया था, वाक्य के भेद शुरू किए थे, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कंप्लीट कर लिए थे। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के दोस्तों, 8 भेद होते हैं, ठीक है। वो जो हमने विद एग्जांपल पूरे कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 में। आज जो है वो हम करेंगे वाक्य के भेद का सेकंड पार्ट। क्या फर्स्ट हमने अर्थ के आधार पर कर लिया था, आज हम करेंगे रचना के आधार पर। इसको रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी बोला जाता है और व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोला जाता है, ठीक है। आपसे रचना के आधार पर पूछा जाए या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, दोनों ही एक ही चीज होती है, ठीक है, जिसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए शुरू करते हैं कि रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सर, सिम और मिश्र। तो इनको करने से पहले हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर किसे कहते हैं, संयुक्त किसे कहते हैं, मिश्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो सर वाक्य की डेफिनेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सर शब्द है वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या आ गया, ये सर शब्द आ गया। तो सर वाक्य की डेफिनेशन तो हम जान ही लेंगे आगे, पर सबसे पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए कि जो सर शब्द उसका अर्थ क्या है। सर का अर्थ होता है बिल्कुल साधारण, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा क्या हो, ज्यादा टेढ़ा फेटा वो ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल साधारण हो, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर का साधारण, ठीक है। और अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपको सर का शाब्दिक अर्थ पता है ना कि उसका अर्थ सिंपल होता है, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन जो है उसकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि सर जो है वो अपने आप में ही अपना अर्थ प्रकट कर रहा है कि सर का मतलब सिंपल, मतलब वाक्य कैसा, बिल्कुल सिंपल वाक्य, ठीक है, जरा भी वो टेढ़ा फेटा ना हो, जिसको हमें पढ़ते ही उसका अर्थ जो है वो पता चल जाए, उसे क्या कहते हैं, सर वाक्य कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, हमारी व्याकरणिक डेफिनेशन देखेंगे क्या बोलती है। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, या फिर एक कर्ता जो है वो उसकी सिर्फ एक ही क्रिया हो, ठीक है, कर्ता जो है वो एक ही काम कर रहा हो। वाक्य क्या होता है, वैसे तो मैंने बताया बिल्कुल सरल शब्दों में कि साधारण, साधारण सिंपल, ये पता है आपको। तो वाक्य मतलब बिल्कुल सिंपल, जिसको पढ़ते ही हमें पता चल जाए कि वाक्य में बोलने वाला लिखने वाला क्या बोलना चाहता है, ठीक है। और व्याकरण के तौर पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय है। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, तो पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और आगे फिर उसके बाद क्या है कि एक कर्ता हो, कि जिस वाक्य में एक कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला, क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है, जब एक कर्ता एक ही क्रिया कर रहा हो तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। और ट्रिक के तौर पर अगर आपने याद रखना है तो ऐसे याद रखना है कि सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है, ठीक है, मतलब एक ही वाक्य में अपनी बात हम पूरी बोल देते हैं, ठीक है, जैसे मैं सो रहा हूं, ठीक है, तो एक ही वाक्य में मैंने पूरी बात कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, मैंने उसके अपने इस वाक्य में कोई और वाक्य नहीं जोड़ा जिससे कि मेरा अर्थ जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है, एक ही वाक्य से मैंने पूरा अर्थ क्लियर कर दिया। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, हम सरल वाक्य कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। तो दूसरा देखेंगे हम संयुक्त वाक्य, कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो अब संयुक्त की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संयुक्त देखो, अगर जैसे अगर हम इस शब्द को पढ़े, संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है किसी दो चीजों का जोड़, संयुक्त मतलब किसी दो चीजों से मिली हुई वस्तु, उसको हम कहते हैं संयुक्त, ठीक है। तो वाक्य में हमारी डेफिनेशन कैसे बैठेगी, ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्य मिले होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, दो वाक्य को जब हम जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं,
क्लियर है, ये तो हो गए साधारण तौर पर डेफिनेशन आपकी जो मैंने आपको क्लियर की। व्याकरणिक तौर पर देख लेते हैं हम कैसे हो, देखिए दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनता है, कैसे याद रखना आपने संयुक्त वाक्य, जब हम दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन अब जोड़कर दो वाक्यों को तो हम जोड़कर एक वाक्य बना लेंगे, लेकिन जब दो वाक्यों को हमने एक वाक्य बनाना है तो वहां पर जो योजक, योजक होता है कंजक्शन जो बीच में जुड़ती है हमारी, ठीक है, तो जो योजक होता है वो क्या होगा, योजक जो है वो अधिकतर दोस्तों यही होते हैं जो मैंने लिखे हैं, और या अथवा अन्यथा वरना किंतु इसलिए, इस योजक को जोड़कर आप दो वाक्यों को एक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। कहीं भी देखो एग्जाम में, टेंथ में तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी कई बार होता है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है एक नंबर का कि निम्नलिखित वाक्य जो है वो सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, अगर आपको किसी वाक्य के बीच में इन शब्दों में से कोई एक शब्द मिल जाए तो आपने आंसर सीधा कौन सा वाक्य लिख देना है, संयुक्त वाक्य लिख देना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है आपको ये लर्न होने चाहिए, ये जो योजक है हमारे सारे ये लर्न होने चाहिए आपको, और या अथवा अन्यथा वरना किंतु इसलिए, ये जहां भी आ जाएंगे जिस भी वाक्य में आ जाएंगे वो बिना सोचे समझे आपने क्या टिक कर देना है, वो संयुक्त वाक्य के लिए, ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, सरल और संयुक्त क्लियर हो गया ना कि क्या होता है, इनका शाब्दिक अर्थ भी और परिभाषा भी, डेफिनेशन भी, ठीक है। तो लास्ट वाक्य है हमारा मिश्र, मिश्र। तो सबसे पहले मिश्र का जो शब्द है ना उसका अर्थ जानो आप कि मिश्र क्या होता है। मिश्र होता है किसी चीजों का मिक्स करना, मिश्र होता है मिक्स करना, जैसे बहुत चीजों की, चीजों के जो पार्ट होते हैं उसमें वो मिक्स होते हैं उसको मिश्र बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या होता है मिश्र, मिश्र अर्थ होता है मिक्स, मिक्स मतलब एक वाक्य ना होकर दो तीन वाक्य उसमें जो होते हैं वो मिक्स होते हैं उसे हम मिश्र कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ये याद रखना है। अब देखो अगर आप व्याकरणिक की परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा क्या होगी, व्याकरणिक तौर पर एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आपको शब्दों का अर्थ समझने की जरूरत है, प्रधान किसे कहते हैं, उपवाक्य क्या होता है, आश्रित क्या होता है। अब देखो प्रधान होता है, देखो प्रधान क्या होता है, प्रधान होता है कि मेन जो वाक्य है उसमें अगर तीन वाक्य मिल रहे हैं आपके तो ऐसा कौन सा छोटा सा वो उपवाक्य है, वाक्य के एक पार्ट को ही उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेन उपवाक्य कौन सा है जिस पर अन्य जो छोटे छोटे उपवाक्य है दो से या तीन वो उन पर डिपेंड है, अगर जब तक वो उपवाक्य उस मेन उपवाक्य में मिक्स ना हो जाए तो वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उसे प्रधान वाक्य बोला जाता है कि इसके मिलने से ही वाक्य की सेंस जो है वो क्लियर होगी, जब तक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य नहीं मिलेंगे तो उनका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए उसको प्रधान उपवाक्य कहा जाता है, क्लियर है इतना। आगे देखो आश्रित, आश्रित क्या होता है, डिपेंड, ठीक है, किसी पर जब डिपेंड होते हैं तो आश्रित बोला जाता है उन वाक्यों को, ठीक है। तो ये उपवाक्य जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर, क्लियर हो गया आपको। अब देखो अब हम जब इनके एग्जांपल करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को एक से दो बार देखेंगे अच्छे से समझेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, ठीक है, और पहचानने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी कि ये वाक्य सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। अब देखो 10th स्टैंडर्ड में जैसे अगर आता है तो कैसे आता है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, ठीक है, संयुक्त वाक्य से मिश्र में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने तीनों वाक्य एक साथ लिखे हैं और सारे वाक्य एक ही लिखे हैं, मैंने एक ही वाक्य को सरल वाक्य को ही संयुक्त में परिवर्तित किया है, संयुक्त को ही मिश्र में परिवर्तित किया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, समझ आ जाए आपको कि किस तरह से सरल से हम संयुक्त में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम संयुक्त से मिश्र में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सरल का फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, देखेंगे गिलास गिर कर टूट गया, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन को अब आपने माइंड में रखना है जो मैंने आपको बताया, सरल का क्या मतलब बताया था मैंने, बिल्कुल सिंपल साधारण तौर पर आपको एकदम से अर्थ जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखो ये बोल रहा है कि गिलास गिरकर टूट गया, तो इससे आपको ये पूरी सेंस क्लियर हो गई ना कि क्या हुआ, गिलास गिरा और टूट गया, ये आपको मतलब इसका अर्थ जो है वो एकदम से समझ आ गया, आपको सोचना नहीं पड़ा कि हुआ क्या, ठीक है। तो गिलास गिरकर टूट गया मतलब बिल्कुल सरल है, ठीक है, एक ही कर्ता एक ही कर्म है इसमें, एक ही क्रिया है मतलब, ठीक है, सब कुछ एक उद्देश्य है, एक विधेय है, हो गया बात।
अब देखो गिलास में, गिलास के आगे हमारा उद्देश्य गिर कर टूट गया, विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, मतलब ये हमारा सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य को ही हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। कैसे? अब देखो ये बात ध्यान में रखनी है, संयुक्त से पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो संयुक्त की डेफिनेशन क्या होती है, एक वाक्य जब क्या होती है, इसमें दो वाक्यों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब देखो दो वाक्य, अब हमारे पास तो ये एक ही वाक्य है, इसका हम दो कैसे बना दें? ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी दो वाक्यों को बीच से तोड़ देते हैं तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, और, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, इसलिए जब इसको जोड़ देते हैं तो दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बन जाता है। अब किस तरह से बनेगा ये देखो, गिलास गिरा और टूट गया, क्लियर बन गया ना हमारा संयुक्त वाक्य, गिलास गिरा, ये हमारा एक वाक्य बन गया, टूट गया दूसरा वाक्य बन गया। और इसको हमने जोड़ा कैसे, योजक चिन्ह से, योजक चिन्ह क्या आ गया हमारा, और मैंने क्या बताया आपको कि और, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, इसलिए, कौन से वाक्य में आता है, हमारा संयुक्त वाक्य में आता है। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये शब्द जो है आपने बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इनको जोड़ते ही आपको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये शब्द जब जिस वाक्य में आएंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्या बना हमारा, सरल वाक्य बना हमारा, देखो गिलास गिरकर टूट गया, संयुक्त वाक्य क्या बना, गिलास गिरा और टूट गया। ठीक है, अब मिश्र वाक्य, अब देखो जैसे मिश्र वाक्य है ना, जिसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि जो मिश्र वाक्य होता है वो कभी भी सीधे तौर पर अपना अर्थ प्रकट नहीं करता। ठीक है, एक तरह से ये सोच लो, अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो मिश्र वाक्य जो होता है ना, वो मिश्र वाक्य होता है जब हम किसी की सामने वाले से बात करते हैं ना, तो उस बात को घुमा फिरा के करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट उससे बात करते हैं, डायरेक्टली उसको उससे बात नहीं करते। ठीक है, मतलब एक वाक्य को जो है वो, मतलब जैसे सरल वाक्य अगर आपका चार शब्दों में आ गया, तो सोच लो जो हमारा मिश्र वाक्य वो आठ शब्दों में आ जाएगा, मतलब हम इतनी घुमा फिरा के बात करते हैं कि जो मिश्र वाक्य है उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, शब्द बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल इनडायरेक्टली वे से बात करना होता है। ठीक है, तो ये सरल शब्दों में आपने ये चीज भी याद रखनी कि मिश्र वाक्य क्या होता है, कि डायरेक्ट बात ना करके घुमा फिरा के बात करनी है, वो वाक्य ही हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, और व्याकरणिक तौर पर क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कि एक प्रधान उपवाक्य होते हैं और अन्य सारे क्या होते हैं, उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्लियर, तो चलो देख लेते हैं इसका। अब देखो सरल में क्या था, गिलास गिरकर टूट गया, संयुक्त के गिलास गिरा और टूट गया। अब मिश्र में देखो, मैं बता रही हूँ आपको कि गिलास गिरकर टूट गया, पर मैं कैसे बता रही हूँ आपके, जैसे ही, अब देखो घुमा फिरा के बोल रही हूँ मैं, जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही टूट गया, देखो कितना घुमा फिरा के मैंने बात की। मैं चाहती तो ऐसे भी बोल सकती थी सरल वाक्य में कि गिलास गिरकर टूट गया, ठीक है चार शब्दों में मेरी बात क्लियर होगी, लेकिन मैंने बात आपको क्या सरल शब्दों में सीधे डायरेक्ट नहीं बतानी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिश्र वाक्य का प्रयोग करना है, इसीलिए मैंने बात को क्या था यहां से ना बोलकर घुमा फिरा कर बोलना शुरू की, जैसे ही क्या बोला मैंने, जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही टूट गया, देखो अर्थ तो एक ही है। अब देखो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी अगर आपको एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने के लिए एग्जाम में आता है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप सरल से संयुक्त में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जब आप संयुक्त में कन्वर्ट कर बैठते हो, परिवर्तित कर बैठते हो वाक्य, तो उसको एक बार रीड करना है और उसका अर्थ जो है वो खुद ही जानना है। अगर सरल वाक्य का अर्थ और है, संयुक्त का और निकल रहा है, तो इसका मतलब आपने जो परिवर्तन किया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब एक वाक्य चाहे सरल में बोलो, संयुक्त में बोलो, मिश्र में बोलो, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, इट मीन्स आपने जो वो इसको चेंज किया है, परिवर्तन किया है उसका एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, वो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। क्लियर है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब देखो मैंने एक ही वाक्य वाक्य के तीन भेदों में बोला, कैसे बोला मैंने, गिलास गिरकर टूट गया, गिलास गिरा और टूट गया, जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही वे टूट गया, अर्थ तो तीनों का एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है मेरा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों क्लियर हो गया ना, सरल का मतलब सिंपल वे से बात कहना,
संयुक्त का मतलब दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाकर बात करना, मिश्र का मतलब है कि डायरेक्ट बात न करके इनडायरेक्ट बात करना, जिससे क्या होता है हमारे वाक्य का साइज वो बढ़ जाता है, लेंथ भी बढ़ जाती है, शब्द बढ़ जाएंगे उसके, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वे से जब हम बात करते हैं, क्लियर है। तो दूसरा वाक्य देख लेते हैं, शिक्षक ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, शिक्षक ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू किया, ये है हमारा सरल वाक्य, ठीक है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, ठीक है, तो क्या है ये सरल है, जैसे ही मैंने वाक्य बोला एक वाक्य में मेरी बात कंप्लीट होगी, कैसे, शिक्षक ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू किया। अब मैं इसी बात को अगर संयुक्त में कन्वर्ट करूं तो मैंने दो वाक्य बनाकर उनको और से जोड़ना है, ठीक है, तो कैसे है, शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, क्लियर है, अर्थ एक ही है ना दोनों का, शिक्षक ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू किया, और संयुक्त में क्या, शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, हो गया क्लियर आपको। अब देखो मिश्र में, अब इनडायरेक्ट में कैसे बोलूंगी, जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, देखिए या शुरू किया, देखो जैसे ही। और एक ट्रिक आपको और बताऊंगा मिश्र का, जो मिश्र वाक्य होते हैं वो मतलब अगर 100 वाक्य दिए हैं आपको तो 100 वाक्य मिश्र दिए गए हैं आपको तो 100 वाक्य में से 98 वाक्य ऐसे होंगे जो हमेशा जैसे से ही शुरू होते हैं अधिकतर, ठीक है, कुछ एक है जो चूंकि या क्योंकि से शुरू होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो जैसे से ही शुरू होते हैं। वैसे आपको अगर एग्जाम में जैसे से कोई भी वाक्य आए, आपसे पूछा जाए कौन सा वाक्य है, तो आपने सीधा क्या बोलना है, मिश्र वाक्य, ठीक है, क्लियर है आपको। आप देखो कैसे बात की मैंने, जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, क्लियर है, इनडायरेक्ट मैंने बात की, ठीक है, डायरेक्टली बात नहीं की, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य आ गया हमारा, मिश्र वाक्य आ गया, क्लियर है इतना आपको। थर्ड एग्जाम्पल देख लें, फर्स्ट सेकंड हो गया हमारे, थर्ड देखेंगे, बादलों के गर्जने पर वर्षा तेज होने लगी, सर वाक्य बिल्कुल, देखो बादलों के गर्जने पर वर्षा होने लगी, बादल क्या है, अब हमारा उद्देश्य है, गर्जने पर वर्षा तेज होने लगी, विधेय आ गया हमारे, बादलों के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो गर्जे और वर्षा तेज होगी, तो वो सारा विधेय आ गया, एक उद्देश्य एक विधेय, इट मीन्स हमारा कौन सा वाक्य है, ये सर वाक्य है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो संयुक्त, संयुक्त जो आएगा हमारा कैसे आएगा, बादल गर्जे और, बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस की तो आपको सारे फिंगर ऑन टिप्स जो है, इसके रूल्स जो है वो सारे लर्न हो जाएंगे, ठीक है, आपने ये जरूर याद करना है, इनसे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो बादल गर्जे और वर्षा तेज होने लगी, इजी है ना, देखो बादल गर्जे हमारा एक वाक्य आ गया और मैंने कंजक्शन लगा दिया, वर्षा तेज होने लगी दूसरा उपवाक्य जोड़ दिया इसमें, ठीक है, जब दो वाक्य के जोड़ने पर एक वाक्य बन गया तो वो कौन सा वाक्य है हमारा, संयुक्त वाक्य है, क्लियर हो गया। मिश्र वाक्य देख ले, मिश्र वाक्य शुरू हो गया हमारा जैसे से, जैसे ही बादल गर्जे वैसे ही वर्षा तेज होने लगी, हो गया क्लियर, देखो कितना इजी है, जैसे ही बादल गर्जे वैसे ही वर्षा तेज होने लगी, आपने जैसे और वैसे का यूज करना है मिश्र वाक्य में अधिकतर, तो उससे क्या है कि वो संयुक्त से मिश्र में या सरल से मिश्र में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। अब तीनों वाक्यों को देखो, अर्थ तो एक ही है ना, क्या है, बादल गर्जने पर वर्षा तेज हुई, तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, लेकिन हमारा बोलने का तरीका अलग अलग है, हमने पहले सरल वाक्य में बोला, फिर संयुक्त में बोला, फिर मिश्र में बोला। सरल वाक्य में कैसे बोला हमने, बादलों के गर्जने पर वर्षा तेज होने लगी, संयुक्त में कैसे बोला हमने, बादल गर्जे और वर्षा तेज होने लगी, मिश्र में कैसे बोले, जैसे ही बादल गर्जे वैसे ही वर्षा तेज होने लगी, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले, घंटी बजते ही छात्र चले गए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, घंटी बजते ही छात्र चले गए। अब देखो अब क्या करना, हमने संयुक्त वाक्य है तो इसको जोड़ना है हमने और लगा के, तो कैसे जोड़ेंगे, घंटी बजी और छात्र चले गए, ठीक है, बन गए ना दो वाक्य हमारे, देखो घंटी बजी एक वाक्य क्लियर है, छात्र चले गए, अब इन दोनों वाक्यों को हमने एक बनाना है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर बार आपका और ही यूज हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे वाक्य है तो इनमें और ही लगा है, लेकिन आपका बीच में अथवा वो आपने वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, हो सकता है कि अन्यथा भी आ सकता है वरना, किंतु अब देखो इसमें अगर हम और कुछ से एडजस्ट करेंगे ना तो वो उसकी सेंस क्लियर नहीं होगी, जैसे घंटी बजी
या छात्र चलेंगे, घंटे बजे या छात्र चलेंगे, कोई सेंस बनी नहीं बनी ना, इसमें और ही फिट आएगा, इसीलिए और लिखा गया यहाँ पर। अब एक और है, अन्यथा है, घंटे बजे अन्यथा छात्र चलेंगे नहीं आएगा ना, जो वाक्य है जिसमें इसकी सेंस क्लियर होगी वो ही योजक यहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं कि हर बार और ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या था हमारा, घंटे बजते ही छात्र चलेंगे सरल वाक्य, घंटे बजे और छात्र चलेंगे संयुक्त वाक्य। मिश्र कैसे आ जाएगा, हम सोचो जरा कैसे आ सकता है हमारा मिश्र, जैसे ही घंटे बजी वैसे ही छात्र चलेंगे। क्लियर है? जैसे ही घंटे बजी वैसे ही छात्र चलेंगे, ये हमारा क्या आ गया सारा मिश्र वाक्य आ गया। क्लियर हो गया आपको इतना? देखो तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वह घर पहुंचते ही काम पर लग गया, एक सरल वाक्य वह है हमारा, देखो घर पहुंचते ही काम पर लग गया, एक उद्देश्य एक विधेय एक मीन्स हमारा ये सरल वाक्य है। क्या है, वह घर पहुंचते ही काम पर लग गया। अब हमने संयुक्त वाक्य इसका बनाना है, वह घर पहुंचा और काम पर लग गया। क्लियर, और लगा दिया हमने, वह घर पहुंचा काम पर लग गया। ठीक है, अब देखो वह घर पहुंचते ही काम पर लग गया सरल वाक्य, वह घर पहुंचा और काम पर लग गया संयुक्त वाक्य, जैसे ही वह घर पहुंचा वैसे ही वे काम पर लग गया, जैसे ही वह घर पहुंचा वैसे ही काम पर लग गया, ये मिश्र वाक्य आ गया। बिल्कुल घुमाकर हमने बात की, ठीक है, सीधे तौर पे नहीं की हमने बात की, वह घर पहुंचते ही काम पर लग गया नहीं, हाँ हमने कैसे घुमा फिरा के बात की, जैसे ही वह घर पहुंचा वैसे ही काम पर लग गया। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देख लें, लास्ट एग्जांपल देखेंगे, लास्ट एग्जांपल क्या है हमारा, वह खाना खाकर सो गया, कितने सर शब्दों में बात कही है कि वह खाना खाकर सो गया। अब देखो जब हमने इनको संयुक्त में या मिश्र में कन्वर्ट करना, तो कई बार होता है कि हमें उसका अर्थ क्लियर करने के लिए, सेंस जो है वो सही से बनाने के लिए कुछ एक शब्द जोड़ने भी पड़ सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि अगर आप कोई शब्द अपने से जोड़ रहे हो तो उसके जोड़ने से वाक्य के अर्थ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। क्लियर है? तो हमारा क्या था यहाँ पर, वह खाना खाकर सो गया। अब देखो अब क्या करना है, उसने खाना खाया और वह सो गया। क्लियर है? उसने खाना खाया और वह सो गया, उसने खाना खाया, एक वाक्य और कनेक्शन आ गया हमारा, वह सो गया। क्लियर हो गया आपका संयुक्त वाक्य? अब देखो मिश्र वाक्य कैसे आ जाएगा, जैसे ही उसने खाना खाया वैसे ही वह सो गया। क्लियर हो गया आपको? तो सर संयुक्त और मिश्र तीन वाक्य आज हमने किए, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, आपने बस दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि सरल वाक्य का मतलब होता है कि सिंपल वे से अपनी बात सामने वाले के सामने रखना। संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य होता है कि हमने दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है, जब हम दो वाक्यों को एक वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो उसको जोड़ने के लिए जो योजक लगता है वो क्या होता है, और, किंतु, अन्यथा, वरना, इसलिए, ये सारे वर्ड जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो मिश्र वाक्य है उसमें क्या याद रखना है, मिश्र का मतलब मिक्स का मतलब कि दो तीन वाक्य उसमें मिक्स किए होते हैं, और ये हमेशा जैसे हमेशा नहीं तो मतलब 98 टाइम्स वो कैसे शुरू होता है, जैसे से शुरू होता है, जैसे तैसे वैसे, ये शब्द जब आते हैं तो बिना सोचे समझे आपने मिश्र वाक्य पर ही टिक करना है। क्लियर है दोस्तों? आई होप दोस्तों आपको ये सारा क्लियर हो गया, सरल संयुक्त मिश्र तीनों जो है वाक्य क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये था हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक 14 का पार्ट 2 था वाक्य का हमारा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।